नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज़ में। और आज हम फिर से हाजिर है हर रोज की तरह हरियाणा की 20 बड़ी खबरों को लेकर के। आज होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम मनोहर लाल करेंगे अध्यक्षता। बजरंग पूनिया ने जीता गोल्ड मेडल, विंग कमांडर अभिनंदन को किया समर्पित। पीएम मोदी की श्रम योगियों को सौगात, सूबे में 7.7 लाख श्रमिक होंगे लाभान्वित। AJL प्लॉट आवंटन मामले में हुई सुनवाई, पूर्व सीएम हुड्डा कोर्ट में हुए पेश। गुरुग्राम में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग, 100 से ज्यादा गरीबों के आशियाने जलकर के राख। स्वा फरीदाबाद की तहसील में हो रहे हैं बड़े घोटाले, एक स्टाम्प पर की जा रही है 2-2 फर्जी रजिस्ट्री। जल्द लग सकती है आचार संहिता, हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी है चुनाव की तैयारियां। केंद्रीय मंत्री ने की पाक पीएम की तारीफ, कहा इमरान खान ने शांति कायम रखने की दिशा में उठाया सही कदम। विपक्षी नेताओं ने एयर स्ट्राइक के मांगे सबूत, राव इंद्रजीत सिंह ने बताया देश के लिए दुर्भाग्य। हरियाणा की 22,000 आशा वर्करों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ, 60 वर्ष पूरे करने पर दी जाएगी ₹3,000 मासिक पेंशन। हरियाणा के व्यक्ति ने चेक गणराज्य के बैंकों में खाते खोल करके दी करोड़ों की ठगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा जम्मू कश्मीर से धारा 35A और 370 हटाए केंद्र, सभी दल देंगे साथ। केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा धारा 35 से हटाने से ही जम्मू कश्मीर में खुलेंगे विकास के रास्ते। हरियाणा में इनेलो प्रत्याशी कैलाश भगत ने थामा भाजपा का दामन, औपचारिक ऐलान बाकी। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके उठाया सवाल, एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मरे, क्या यह आतंक चुनावी हथकंडा है। दुष्यंत चौटाला ने फिर दिया आपसे गठबंधन के संकेत, कहा अरविंद केजरीवाल मेरे बड़े भाई। हरियाणा में एक ही स्कूल की मिनी बस और वैन में टक्कर, 2 छात्राओं की मौत, 3 घायल। सोनीपत के मौसम खत्री ने जॉर्जिया के पहलवान को हरा करके जीती 2 लाख की कुश्ती। करनाल रेलवे स्टेशन पर नहीं तीसरी आंख से निगरानी, अब तक नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे। गुरुग्राम पुलिस ने चलाया ऑपरेशन रोमियो, 125 मनचलों को हिरासत में लिया गया। और इसी के साथ समाप्त होता हरियाणा का आज का टॉप 20 न्यूज़। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों को लेकर के। देखते हैं हमारा न्यूज़ चैनल, और हमें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़।